ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपादुका, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम तो गुरुर कृपा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। नमः नारायण। 12 अप्रैल सन 2012 और गुरुवार का दिन है। जिनका आज जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है, दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपका कल्याण करे। शनिदेव से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। जिनका आज जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है और जीवन में कभी कोई परेशानी हो, तो श्रद्धा अनुसार चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर अपने ऊपर 7 बार उसार कर मंदिर में रखवा दी। ऐसा लगातार 43 दिन करके देखेगा, संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिल जाएगा। नमः नारायण। और बात करते हैं गुरुवार के पंचांग। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी और विक्रम सं 2069। गुरुवार का आपातकाल नक्षत्र मूल नक्षत्र और चंद्रमा धनु राशि में है और गुरुवार का राहुकाल दोपहर 1:30 बजे लेकर 3 बजे तक है। और राहुकाल के दौरान सौदा करना, पूंजी निवेश करना, नया व्यापार शुरू करना, भूमि खरीदना, वाहन खरीदना अनुकूल और उचित नहीं माना गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। नमो नारायण। और बात करते हैं गुरुवार की यात्रा। गुरुवार के दिन जहां आप रहते हैं वहां से पूर्व दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय रहेगी। और गुरुवार के दिन यात्रा पर जाने से पूर्व जीरा चबाते हुए यात्रा पर निकल जाएगा, यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों, समय और प्रश्न में सुधार होगा, किसी सभा और गोष्ठी में जाने का अवसर मिलेगा, लोकहित के कार्य में रुचि बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और मन में संतोष रहेगा। आज व्यापारिक परिस्थितियां अनुकूल रहेगी, कारोबार में लाभ मिलेगा और परिवार का संपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। क्या करें, हिम्मत और साहस से कार्य में डटे रहेगा, सफलता आपका इंतजार कर रही है। क्या ना करें, जीवन साथी के साथ मतभेद नहीं हो इस बात पर ध्यान देना होगा। नमो नारायण। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, जिस तरह के घर योगायोग है, समय थोड़ा सा आपका साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज भाग्य आपकी पक्ष में करवट नहीं ले रहा है। परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, लाभ मार्ग में रुकावट और परेशानी आ सकती है और दूसरों के विवाद में पड़े तो आज कारोबार में भी हानि और परिवार में भी कष्ट है। आज अनावश्यक रूप से बदनामी उठानी पड़ सकती है। आज अपनों का साथ नहीं मिलेगा और सबसे बड़ी बात है आज जिनके भी आप साथ खड़े रहेंगे वही लोग आपको बदनाम कर सकते, इसलिए आज कुछ भी निर्णय बिना सोचे समझे मत लेना, बहुत जरूरी इस बात पर ध्यान देने का। छोटा सा उपाय वृषभ राशि वालों जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आज प्रातःकाल नित्य कर्म से जरूर भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ा दे और वहीं बैठकर नमः शिवाय के 108 बार जाप करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। विशेष क्या करें, परिवार के साथ समय व्यतीत करना बहुत जरूरी है। आज विशेष क्या ना करें तो नए इलेक्ट्रॉनिक सामान और वाहन खरीदना ठीक नहीं है, इस बात पर ध्यान दें। नमो नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, समय अनुकूल, ग्रह गोचर शुभ, सितारों का शुभ संकेत, बिगड़े कार्य सुधरेंगे और आय के स्रोतों में वृद्धि होगी। कारोबार और नौकरी में दृष्टि के समय बहुत अनुकूल है, उन्नति के अवसर मिलेंगे और शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। जिससे कि घर योगायोग मिथुन राशि वालों, आज लाभ ही लाभ है, आज पूंजी निवेश कर सकते हैं। आज के दिन क्या क्या पूंजी आपको लाभ देगा और आज मनोनुकूल यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है। क्या करें, आज अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करें और बैलेंस करके कोई भी निर्णय लेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। क्या ना करें, भाई बंधुओं के सहयोग से इनकार ना करें तो अच्छा रहेगा। आज भाई बंधुओं को सहयोग करने से इनकार ना करना है आपको, ध्यान रखना। नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि पद और प्रतिष्ठा और लोकप्रियता बढ़ेगी और आज मातृपक्ष का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, शुभ कार्य की योजना बनेगा, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, उत्तम समय का लाभ मिलेगा, नौकरी में बॉस खुश रहेगा, सरकार संबंधी परेशानियों का निवारण होगा क्योंकि भाग्य आपके पक्ष में कर रहा है और आज के दिन शुभ कार्य करने का सुअवसर भी आपको मिलेगा। क्या करें, किसी को किए गए वादे पूरे करें। क्या ना करें,
आज अपनों के साथ धोखा ना करें कर्क राशि वालों, तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, जिस तरह की घर योगा योग है, आज स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। आज धन की कमी है, जुआ सट्टा लॉटरी में लगाएगा धन नुकसान देगा। जुआ सट्टा लॉटरी में धन ना लगाए, इस बात पर विशेष ध्यान। आज संतान की वजह से कासुनी हो सकती है, दुविधापूर्ण स्थिति नजर आ रही है, क्या करें और क्या ना करें। जिस तरह के घर योगायोग, शाम 5 बजे तक थोड़ा सा सावधानी से काम। एक, विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें, मध्यस्थता से बचे और संभव हो तो अपने क्रोध पर काबू रखें, अन्यथा नुकसान की संभावना नजर आ रही है। विशेष क्या करें, आज वार्ता को टाल दे तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें, किसी को धन उधार ना दे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जिस तरह के घर योगायोग, ओम घनी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते भगवान सूर्य को जल देना अति कल्याणकारी रहेगा। नमन और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, गोचर अनुकूल फलादेश का संकेत नहीं करा, मन उलझनों से भरा रहेगा और घर बार की समस्याएं बढ़ेगी। घर में भी समस्या और बार में भी समस्या। राजनीतिक उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है और विरोधी हानि पहुंचाने का प्रयास करें। कन्या राशि वालों, आज विशेष कारोबार में ध्यान देने की जरूरत है। यदि आप नौकरी में हैं तो अपने काम से काम मतलब रखें और आज ऐसा कोई कार्य न करें जो सरकार विरोधी है। गोचर सुबह से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक अनुकूलता का संकेत नहीं रहे। छोटा सा उपाय जो बहुत सुंदर रहेगा, आज सदानुसार साबुत मूंग हरे कपड़े में बांधकर मंदिर में रख के आ जाइएगा, आपके लिए कष्ट कम आएगा। विशेष क्या करें, स्वजन और मित्रों से मदद लेना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, जोखिम के कार्य न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमनान हर बात करते हैं तुला राशि की, लेकिन उससे पहले एक सवाल दीपिका जी हैं और कोटा से कि मेरे लिए सिविल सर्विस ठीक रहेगी या लेक्चरशिप, क्या करूं बताइए। नमनायन दीपिका जी, मेरा खूब आशीर्वाद, ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे, शनिदेव से मेरी प्रार्थना। दीपिका जी, आपका कर्क लग्न कुंभ राशि है और इस समय आपको बृहस्पति की मां दशा है जो 26 मई 2024 तक रहेगी। बृहस्पति में शनि की अंतरदशा 25 जनवरी 2013 तक, उसके बाद बुध की अंतरदशा 3 मई 2015 तक रहेगी। यदि जन्मकुंडली को ध्यान से देखा जाए, शिक्षा का क्षेत्र और सिविल लाइन सर्विस दोनों ही आपके लिए उपयुक्त है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आपको ज्यादा ध्यान देने से सफलता अधिक मिलेगी। शिक्षा का क्षेत्र बहुत आपके लिए शुभ रहेगा। नमन है और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, समय अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, आज मनोनुकूल कार्य बनेंगे और अपनों का पूर्ण सहयोग और सरकार से लाभ मिलेगा, परिवार के साथ बैठने का अवसर मिलेगा, विशेष कार्य संपन्न होंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा, कुटुंब परिवार में मेलजोल बढ़ेगा, अनुजों की सफलता से मन खुशियों से भरा रहेगा और दिन में सुकून और शांति भर रहेगी। क्या करें, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रहे। क्या ना करें, वाहन तेज ना चलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, पारिवारिक संतुलन और संयम बनाने के रखना बहुत जरूरी है। आज पारिवारिक संतुलन और संयम बनाए रखना बहुत आवश्यक है। व्यवसायिक स्थितियां सामान्य होगी, खर्चा अधिक, मन पर चिंतित रहेगा, लेकिन आज आपके काम करने की शैली, आपका काम करने का तरीका, जिस तरह से आप लोग काम निकलवा लेते हैं या जिस तरह आप लोगों से बात करते हैं, उससे आपको बहुत सी परेशानियों का निवारण होगा। वृश्चिक राशि वालों, यदि आपको आपकी शैली में शालीनता रही तो लाभ भी मिलेगा और परेशानियों का निवारण भी होगा। विशेष क्या करें, आज खरीदारी के लिए समय अनुकूल है। क्या ना करें, स्वार्थ और ईर्ष्या से कोई भी कार्य न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन है